पिंपरी चिंचोड परिसर में डकैती और चोरी की घटना दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इन घटनाओं को अंजाम देने वाले एक मोटरसाइकिल चोर को आलंदी पुलिस ने धर दबोचा है। आलंदी पुलिस ने इस शातिर चोर से लगभग 8 मोटरसाइकिल बरामद की है। ये शातिर चोर पिंपरी चिंचोड़ शहर के दीघी तले गाँव आलंदी परिसर में डुप्लीकेट चाबी के जरिए मोटरसाइकिल चुरा कर उन्हें कम कीमत में बेचता था। आलंदी पुलिस ने शातिर चोर से लगभग 2,55,000 का माल बरामद किया है। आपको बता दें कि शातिर चोर कर्नाटक के गुलबर्गा का है। ये पिंपरी चिंचोड़ शहर के आलंदी दिघी और तले गांव परिसर में आकर मोटरसाइकिल चोरी करता था और उसे कम कीमत में बेचने का काम करता था। कल आलंदी पुलिस की डिटेक्शन टीम के अधिकारी लोनकर और खेड़कर जब आलंदी पुलिस थाने के सोलू परिसर में पेट्रोलिंग कर रहे थे, उसी दौरान उन्हें इस आरोपी पर शक हुआ। उसके बाद उन्होंने इसकी जांच की। जांच में वो गलत जवाब देने लगा, तब पुलिस ने उसे थाने लाकर उसकी जांच की। आलंदी पुलिस ने उसके पास से 8 मोटरसाइकिल जब्त की है। ये कार्यवाही पिंपरी चिंचोड़ पुलिस आयुक्त अंकुश शिंदे, अपर पुलिस आयुक्त डॉक्टर संजय शिंदे, पुलिस उपायुक्त परिमंडल 1 के विवेक पाटिल और सहायक पुलिस आयुक्त प्रेरणा कट्टे, इनके मार्गदर्शन में आलंदी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सुनील गोडसे, पुलिस निरीक्षक रमेश पाटिल, पुलिस उप निरीक्षक बापू जोदले, पुलिस उप निरीक्षक रोहन गायकवाड़, पुलिस उप निरीक्षक विद्या माने, आर एम लोनकर, बीबी सानक, बीबी खेड़कर, एस के सालुंके, के सी गर्जे, जी वी आड़े, आर पालवे, इन सभी की टीम द्वारा की गई है। हमारे सीपी सर अंकुश शिंदे सर के अंडर हम लोग ने एक टीम रखी थी, जिसमें हमारे दो कर्मचारियों ने सोलू गांव में पेट्रोलिंग करते वक्त एक लड़का पल्सर गाड़ी पर जाते वक्त थोड़ा सा हमको सस्पेंस के हिसाब से दिखा, तो हम लोग ने उसको पूछा, तो उसने वो थोड़ा इधर उधर के जवाब हमको दे रहा था, तो हमने फिर उसको थोड़ा सा डिटेल में इन्वेस्टिगेशन किया, तो पता चला कि उसके ऊपर ऑलरेडी चोरी के गुनाह दाखिल हैं। तो हमने हमारे टीम को ठीक से पूछताछ करने का पता चला, तो उसने हमको 8 गाड़ी रिकवर करके दिए हैं। अभी आरोपी को हम लोग ने ठीक से पूछताछ करने का पता चला कि आरोपी ये गुलबर्गा कर्नाटक का है, और उसने इससे पहले भी चोरियां की थी। आलंदी से एक चोरी उन्होंने की थी, उसने बाद में पूरी जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने 8 गाड़ी हमने रिकवर की। 2,55,000 का रिकवरी हुआ है और अभी आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू है। ब्यूरो रिपोर्ट, वी सरस न्यूज, पिंपरी चिंचवड़, पुणे।